तो देखा आपने उज्जैन की चौपाटी में इस वक्त मेरी सहयोगी मौजूद थी और तमाम जो महिलाएं उनसे भी बातचीत हुई है और उनका ये कहना है कि वाकई में उज्जैन में बहुत बदलाव तो हुआ है और इसका काफ़ी ज़्यादा असर भी देखने को मिल रहा है और आगे जो आगामी चुनाव है उस पर भी काफ़ी रुझान दिखाती हुई महिलाएं नजर आई हैं। कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहाँ पर दूसरे चरण की वोटिंग के पहले शाह का MP दौरा है और आप ये देखिए कि आज भोपाल अमित शाह आने वाले हैं, पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं, पार्टी नेताओं के साथ रात्रि में बातचीत हो सकती है और भोपाल में ही रात्रि विश्राम भी होगा। तो आज एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक बार फिर से मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और दूसरे चरण की वोटिंग के पहले शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आज पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और हो सकता है कि कुछ प्रमुख बैठकों के साथ ही जो आगामी रणनीति है उसको लेकर भी बातचीत हो और साथ ही दूसरे चरण की वोटिंग के पहले शाह का MP दौरा है, भोपाल आएंगे शाह, पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और भोपाल में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे अमित शाह। तो कल दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है और इस मतदान में शामिल होने के लिए ये दौरा जो है तमाम बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे हैं और मतदान में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो, बढ़ चढ़कर मतदान करें, इसमें प्रेरित करने का काम भी किया जा रहा है और जो स्टार प्रचार है कि BJP के लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कल दूसरे चरण का मतदान होना है और आज मध्य प्रदेश आने वाले हैं अमित शाह? बिल्कुल, जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार रात को 10 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं और वो एक निजी होटल में रात्रि प्रवास करेंगे। बताया जा रहा है कि दूसरे चरण के पहले उनका ये दौरा बेहद खास है, जिस तरीके से कई इलाकों में कम मतदान प्रतिशत रहा है उसको लेकर भी आज वह देर रात में जो BJP के तमाम जो नेता हैं पदाधिकारी उनके साथ बैठक भी कर सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कल वह दिग्विजय सिंह जहां से चुनाव लड़ रहे हैं राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने भी जा सकते हैं, इसके साथ ही गुना में जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर भी कल उनके प्रचार का संभावित दौरा भी है। तो दो महत्वपूर्ण सीटें राजगढ़ और गुना, उस पर वो प्रचार भी कल कर सकते हैं और उसके साथ ही आज एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण बैठक वो ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पहले चरण में देखने में आई कई सीटें ऐसी आई जहां पर मतदान प्रतिशत बेहद कम रहा, खासकर सीधी अगर बात करें लोकसभा क्षेत्र की जो कि BJP का परंपरागत गढ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, तो इसको लेकर भी BJP अब अलर्ट मोड पर है। दूसरे चरण में कैसे मतदान प्रतिशत बढ़ा है उसको लेकर भी रणनीति आज तैयार की जा सकती है और कल दो बड़ी सीटों का दौरा भी केंद्रीय गृह मंत्री कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। तो भोपाल के साथ ही साथ तो राजगढ़ का भी दौरा कर सकते हैं, कुछ प्रमुख और अन्य जिलों में भी दौरा कर सकते हैं अमित शाह और जाहिर सी बात है कि लोकसभा के इलेक्शन है, तीसरे चरण में भी मतदान होना है MP में और इसके लिए जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। चुनाव प्रचार अभियान कैसे होगा, प्रचार प्रसार कैसे होगा, पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी और आज भोपाल आने वाले हैं अमित शाह, अहम जानकारी है। और आप ये देखिए कि कल दूसरे चरण का मतदान है और उसके पहले शाह का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।